हाय गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। आज हम एक और प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, कैलटेक कैलटेक डेटा सेट का। तो जैसे हमने पहले एक सिनिक भी करा था, तो ये काफी सिमिलर है सिनिक से। तो सबसे पहले तो यही चीज दिखा देता हूँ कि ये भी डॉकशिप पे ही आप किया जाएगा। ठीक है, डॉकशिप पे हम लोग इसको करेंगे, राइट। तो जैसे कि आपका कैगल है, वैसे ही डॉकशिप है। कैगल जितना फेमस या कैगल जितना मैं ये कह सकता हूँ कंपेटिटिव नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा है प्रैक्टिस के लिए। स्पेशली जो इसके प्रैक्टिस चैलेंजेस है उसमें अच्छे अच्छे आप देख सकते हैं, पावर प्लांट, एनर्जी, ट्विटर सेंटिमेंट एनालिसिस, ये तो कैगल पे भी है इनफैक्ट। ठीक है, गार्बेज हो गया, बिटकॉइन, ये अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे ही हमारे पास कैलटेक है, सिनिक हम कर चुके हैं, फैशन एमएनए से। ठीक है, तो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ये है कि कैगल में क्या है ना कि रैंकिंग लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट। तो जब आप शुरुआत कर रहे हैं ना, जब अपना सीख रहे हैं, तो उस केस में ऐसे प्रोजेक्ट्स उठाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आप एक ऐसी रैंक लेके आए कि आपको मोटिवेशन मिले आगे करने की। तो देखिए कैलटेक भी क्या है, पहले तो पढ़ के ही आपको दिखा देता हूँ कि इसका एम क्या है। कि आपको आरजीबी इमेजेस दिए हैं जिसमें 256 कैटेगरीज है, 256, और हर कैटेगरी के 40 से 800 इमेजेस है हमारे पास। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, तो इसमें ना आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इसको पहली बार ही करेंगे ना, जैसे अभी मैं पहली बार ही करूंगा, ठीक है, तो कुछ कम एक्यूरेसी आएगी। ठीक है, फिर एक बार ही आप मेरी वीडियो देख लेंगे, फिर जब नेक्स्ट टाइम आप खुद से इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे आपने सिनिक में देखा था, सिनिक में हमने क्या करा था कि हमने पहले एक नॉर्मल कॉन्वोल्यूशन लेयर लगाई, फिर हमने, और देखिए पहले ये सब बताने से पहले आपको ये भी बता दूं कि एक बार ये देखिए, ऐसा नहीं है कि आप सिनिक देख के नहीं आएंगे तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप सिनिक देख के आएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि मैं ना थोड़ा कोरिलेट करके बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्योंकि देखिए सिनिक क्या है ना कि बहुत ही बेसिक सा है, उसमें आपको मैंने पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, उसमें मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तो देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स डेटा सेट है, तो आप उधर हमने बहुत डेंस लगाए थे। तो इसमें सबसे पहले सीखने वाले लेवल पे मैं क्या करूंगा ना कि बहुत ही बेसिक सी लेयर लगाऊंगा, आप देखेंगे भी कॉन्वोल्यूशन लेयर बहुत ही ज्यादा बेसिक सी होगी, तो मेरी एक्यूरेसी क्या है थोड़ी कम आएगी, राइट। तो एक बार ही थोड़ी कम आएगी तो उसके बाद फिर मैं उसको इंप्रूव कर सकता हूँ, है ना। मैं एक दूसरा सीएनएन लगा के देख सकता हूँ, या मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना के देख सकता हूँ, ईपॉक चेंज करके देख सकता हूँ, अपने हिसाब से अपना रिइटरेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि सिनिक में क्या था, 10 कैटेगरी थी, इसमें क्या है 256 कैटेगरीज है, सबको आपको केटर करना है ना, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनेगा, सीधी सी बात है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बेस्ट चीज है ना आपके डॉकशिप की, उसमें आप यहाँ पे डाउनलोड डेटा करिए, और मैं अभी इसमें अपना लॉग इन कर देता हूँ सबसे पहले, राइट गाइस। तो अब जब मैंने लॉग इन कर दिया, तो जब मैं डाउनलोड में क्लिक करूंगा तो मैं सीधा यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये कॉपी हो गया, और कॉपी करने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं सीधा यहां जाऊंगा और अपना पेस्ट करके इसको रन कर दूंगा। तो आप ये देखिए कि जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ना, ये देखिए ये अपना डाउनलोड करना शुरू कर देगा। अगर आप कैगल पे जाएंगे, आप अगर कैगल की नोटबुक यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोलैब यूज करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोलैब प्रो है जो कि थोड़ा फास्टर हो जाएगा, या कैगल के भी अपना जो बहुत अच्छे जीपीयू अगर प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत फास्ट है, वो भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे जो कहने का मतलब है, ये देखिए कितना फास्ट हो रहा है। आप उधर से पहले डाउनलोड करते फिर अपलोड करते, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपके कोलैब में एक बार आपका रन टाइम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया तो आप फिर अपलोड करते रहते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आप बार बार ही अपलोड करते हैं, आपने इतने प्रोजेक्ट्स तो कर लिए हैं मेरे ख्याल से, अब आपको ये चीज पता है, और फिर आप इसको करते हैं। बट इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट है, अब मैं यहाँ पे अनजिप करूंगा, ठीक है, और मैं क्या पाथ कॉपी कर दूंगा, अभी देखिए ये जब सारा 100% हो जाएगा, देखिए कितना फास्ट हुआ है, ठीक है, और कितना बड़ा डेटा था, ये देखिए मैं इधर से दिखाता हूँ, 1.06 GB डेटा था, जो कितना टाइम लेता पहले डाउनलोड होने में, फिर अपलोड होने में, ड्राइव माउंट होने में, ठीक है। अब देखिए मेरे पास ये जिप फाइल है, मैंने इसका पाथ कॉपी किया और यहाँ पे इसको अनजिप कर दिया। ये सारी चीजें हमने थोड़ी सी डिस्कस भी करी है आपके सिनिक में, लेकिन कैलटेक में कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो सिनिक जिन्हें आता हो या फिर जो नहीं देख के आए हो, बट मैं आपको यही कहूंगा कि आप एक फ्लो में देखेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा, राइट। तो उसमें भी हमने कई चीजें डिस्कस करी थी, इसमें भी करी है, राइट। तो अब ये देखिए, अब ये सारा अनजिप हो गया, और मैं यहाँ पे जब ये करूंगा ना, तो मेरे पास देखिए टेस्ट इमेजेस आ गई, ट्रेन इमेजेस आ गई, और एक ट्रेन CSV आ गई। तो ट्रेन CSV में एक्चुअली में क्या है ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ट्रेन CSV में आपके लेबल्स हैं और इमेज का नाम है, और इसको भी एक बार भी खोल देता हूँ मैं, एक मिनट, ये लीजिए, इसमें इसका नाम लेबल है कि कौन सा है, कि भाई ये जो इमेज है ये रेफ्रिजरेटर है, ये मोबाइल, ये मोटर बाइक है, रेफ्रिजरेटर, एयरप्लेन, ट्राईपॉड, कोई लोग है ना, पिकनिक टेबल है, और यहाँ पे ये जो दो है टेस्ट और ट्रेन में, इसमें इमेजेस है, ठीक है। तो हमें वही करना है, हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है कि पहले हम इस पर ट्रेन करेंगे और फिर वो उधर टेस्ट होता चला जाएगा, राइट। तो 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में जब ये खुलेगा तो फिर मैं आपको एक बार ही दिखाऊंगा कि ये देखिए खुल भी गया। तो ये देखिए बहुत सारी इमेजेस है, तो थोड़ा समय लगा है ना, बट ये है कि ये इमेज है और ये टेस्ट है और ये JPG फाइल है, ठीक है, उसका फॉर्मेट है।
और सिमिलरली यहाँ पे है और सीएसवी फाइल में उसका लेबल है राइट। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एक मिनट, और इसको भी हटा देता हूँ एक बार की, एक मिनट। और आप लोगों को अगर देखना रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये लीजिए अच्छे से जूम कर दिया है ताकि किसी को कोई दिक्कत हो ही ना राइट। तो ये मेरी सारी इमेजेस हो गई। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको पहले ना एक बार लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं अभी आपको पहले बता रहा था ना कि इसमें ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है डेटा, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कहूंगा, देखिए कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक्चुअल डेटा पे वर्क कर रहे हो ना, जब आप डेटा साइंटिस्ट के रोल में होंगे तो आपको ऐसा ही डेटा मिलेगा। और कैलटेक कराने का जो सबसे बड़ा कारण है ना वो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे डेटा से कैसे काम करूं, ऐसे डेटा से डील कैसे करूं, तभी हम लोग ना बहुत ज्यादा, मैं चाहता ना तो मैं वही डेंस लेयर से निकाली लगा देता इसमें, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें डेटा को समझना ज्यादा जरूरी है। 256 कैटेगरीज है, अच्छा खासा डेटा है, रियल टाइम में अगर आप देखेंगे ना तो आपको 99% केसेज में ऐसा ही कुछ एब्सर्ड नहीं कहूंगा बट बहुत ज्यादा क्लासेस में बहुत ज्यादा लेबल्स वाला डेटा मिलेगा राइट। तो इस चीज को हमने ओवरकम करने के लिए ही प्रोजेक्ट उठाया है कि हम इसमें ना बहुत ही बेसिक सा, आप देखेंगे मेरी एक्यूरेसी कोई बहुत ज्यादा हाई नहीं आने वाली है, लो ही आएगी लोअर साइड पे, क्योंकि हम पहले बेसिक सा लगा रहे हैं, फिर हम चाहेंगे कि आप लोग ऐसा करें कि वो धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें, उसको इंप्रूव करने की कोशिश करें। कैसे इंप्रूव करेंगे, आप लोग सिनिक वाला भी देखेंगे और भी मॉडल्स देखेंगे जहां पे सीएनएन यूज किया, सीएनएन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छा है ये ना, और फिर आप अपना डेटा इंक्रीज कर देंगे। मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ सबसे पहले, तो एक मिनट लीडर, अब आप लीडर बोर्ड देखिए कैसे है कि कैसे कैसे स्कोर इतने कम होते चले जा रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि कहाँ गया ये, हाँ 18वां बंदे का स्कोर तो जीरो है भाई, जिसकी रैंक 18 है और कितने बंदों ने पार्टिसिपेट करा है, एक मिनट नीचे आ रहा होगा कितने बंदों ने पार्टिसिपेट करा है। अच्छा ये अभी आ नहीं रहा, आप देखिए 3 पेजेस तक जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 पेजेस तक जा रहा है और फिर भी ऐसा है राइट। और काफी कम बंदों के ही है हाई स्कोर राइट, जो इधर है लीडर बोर्ड। ओके तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, कम स्कोर आएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसी से आप सीखेंगे। तो मैं इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ एक मिनट। और सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं वो चीजें इंपोर्ट कर लेता हूँ जिसकी मुझे जरूरत होगी, ठीक है। कोडिंग पे आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो भाई टेंसर फ्लो पे तो काम होगा ही होगा, तो टेंसर फ्लो को ले लेता हूँ, टेंसर फ्लो एज TF राइट। उसके अलावा मुझे क्या होगा कि मुझे अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये इमेजेस हैं है ना, और मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, एक मिनट ये खुल रहा होगा। तो जब तक ये खुलता है तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टरीज है ना, एक डायरेक्टरी है जिसमें इमेजेस हैं, ठीक है इसको पहले बंद करता हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ये डायरेक्टरी है, इसमें कुछ इमेजेस है, इसमें कुछ इमेजेस है, तो मुझे डायरेक्टरीज का यूजर, डायरेक्टरी का थोड़ा मैनिपुलेशन करना है राइट, डायरेक्टरी से सामान उठाना है, तो उसके लिए मुझे ओएस चाहिए होगा राइट, ठीक है। ओएस के बाद मुझे क्या चाहिए, अपना सीएसपी फाइल है, तो सीएसपी फाइल आ गई, तो भाई पांडास का काम एकदम तुरंत आ गया, और पांडास और फंक्शन के लिए तो यूज होता ही है, मैं उसको देखूंगा, उसको ऑब्जर्व करूंगा अपने डेटा फ्रेम को, तो उसके लिए पांडास मुझे चाहिए ही। फिर क्या है कि मेरी एक्यूरेसी वगैरह है ना, मेरे एरर वगैरह, इन सबको देखने के लिए मैं थोड़े विजुअलाइजेशन भी करना चाहूंगा, मैं कुछ ग्राफ बनाना चाहूंगा, तो उन ग्राफ्स को मैं कैसे करूंगा, मैटप्लॉटलिब से। तो मैं ले लेता हूँ matplotlib.plt राइट। एक बार ये हो गया तो और क्या चाहिए मुझे, अब क्या है कि आप ये देखिए, अब मेरे पास इमेजेस है ना, तो मुझे इमेज एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए इसमें काम क्या करना है, मैं थोड़ा बेसिक आइडिया देता हूँ। अब मेरे पास ये सीएसवी फाइल है, इसमें कुछ लेबल्स हैं, और लेबल के साथ क्या है, उस इमेज का जो नेम है वो है, और वो इमेज का नेम यहाँ पे एसोसिएटेड है राइट। तो मुझे क्या करना है, उस सीएसपी फाइल के नेम को है ना, उस सीएसपी फाइल के नेम को यहां से उठाना है, ताकि मैं इमेज और उसके लेबल को मैप कर सकूं है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि उस पाथ का जो नेम है, मतलब एक पर्टिकुलर पाथ को जो फॉलो कर रहा है ना, मुझे वो लेना पड़ेगा। अब एक पर्टिकुलर पाथ से अगर मुझे मैनिपुलेशन करना है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, ग्लोब है ना। मेरे ख्याल से सभी को पता होगा कि ग्लोब यूज होता है, क्यों यूज होता है, कि ग्लोब क्या करता है कि मैं कोई पाथ डालूंगा ग्लोब में, कि जो ग्लोब डॉट ग्लोब में कि भाई ये पाथ है, अब वो जो भी पाथ हो सिमिलर पाथ मिल जाएगा ना उसको, वो उधर से उसको ले लेगा। तो इसीलिए मेरे को ग्लोब चाहिए राइट। अब क्या चाहिए मुझे, थोड़ा डेटा ऑगमेंटेशन, इमेज ऑगमेंटेशन करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा है ना, इमेज को ऑगमेंट नहीं करेंगे तो फिर उसको ट्रेन कैसे करेंगे। तो उसके लिए मुझे इमेज चाहिए, एक सेकेंड TIL से मुझे इमेज इंपोर्ट करनी है राइट है ना, और इवेंचुअली एक मिनट है ना, इमेज इंपोर्ट करनी है, और फाइनली मुझे numpy तो चाहिए ही चाहिए है ना, क्योंकि numpy array के फॉर्मेट में ये सारे पिक्सल स्टोर होते हैं, तो एक मिनट numpy np राइट। तो मुझे ये चीज तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो मेरे सारे हो गए। ठीक है गाइस, तो मुझे सबसे पहले क्या करने की जरूरत है कि जो भी मेरे पास डायरेक्टरीज है उनको लूंगा मैं यहाँ पे,
तो आप देख सकते हैं एक मेरे पास सीएसवी फाइल है। तो ये सीएसवी फाइल को अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये किस लिए है कि आप देखेंगे यहाँ पे एक नेम आएगा, ट्रेनिंग डेटा में नेम आएगा और उनका लेबल आएगा, ठीक है। ये देखिए ये नेम है और ये लेबल है, रेफ्रिजरेटर, मोटर बाइक, एयरप्लेन, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे पास यहाँ पे नेम है, तो मुझे क्या करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले तो, ठीक है, और अपनी सारी इमेजेस पे लगाना है। तो मैं यहाँ पे एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा जिसमें एक तो आएगा नाम, और नाम के अलावा मेरे पास आएगा उसका लेबल, ठीक है, और उसके अलावा ना मुझे ये मतलब डायरेक्टरी को पूरा रीड करना है। तो ये पूरा काम ये ओएस वाले पार्ट से होगा अपना। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग डायरेक्टरी को लेता हूँ, ठीक है, ट्रेनिंग डायरेक्टरी को पहले नेम ही कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक मिनट, तो मेरे पास ये ट्रेनिंग इमेजेस हैं, ठीक है, तो मैंने इसका पाथ कॉपी किया, इसको साइड किया, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक अपनी ट्रेनिंग डायरेक्टरी का पाथ आ गया। उसके बाद मुझे क्या करना है कि इस डायरेक्टरी का जो भी लेंथ है ना वो लेना है, और वो 120 से कम नहीं रखना, मतलब 120 के बराबर नहीं रखना है, ठीक है, उसका हाफ के आसपास नहीं होना चाहिए। तो मेन रीजन ये है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, वो एक्यूरेसी पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, बट इतना कोई मेजर एरर नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा कि मैं लेंथ लूंगा इस डायरेक्टरी की, लिस्ट का लेंथ लूंगा और क्या डालूंगा, ट्रेन डायरेक्टरी, ठीक है, और ये एक मिनट, ये क्या ले लूंगा मैं, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 120, और अपना आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे कि कहा था कि मुझे यहां से ये उठाना है, राइट, मुझे ये जो सीएसवी फाइल है इसको उठानी है। तो मैं क्या करूंगा, डेटा मैं इसको स्टोर कर दूंगा पहले, तो वही जैसे कि हमेशा हम करते आए हैं, पी डी डॉट रीड सीएसवी, ठीक है, और ये क्या करने वाला हूं मैं, इसके पाथ को कॉपी करूंगा, एक सेकेंड, कॉपी पाथ किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, राइट, तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है, ठीक है गाइज। तो अगर अब मुझे इतना लंबा पाथ नहीं भी लिखना है ना, तो जैसे कि मैंने पहले भी एक बार ही बता रखा है, एक मिनट, ठीक है, तो अगर मुझे इतना लंबा पाथ नहीं लिखना है तो क्या दिक्कत है भाई, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसको हटाऊंगा और यहाँ पे सीधा डॉट डाल दूंगा, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है इस चीज को करने का, तो वरना फिर आप अपना कॉपी पाथ करके तो कर ही सकते हैं जैसे कि हम हमेशा से करते आए हैं। इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो भी यूनिक लेबल्स है ना उनको एक्सट्रैक्ट करके एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने ट्रेनिंग डेटा के लेबल्स को उठाऊंगा और ये जो पीडी से यूनिक ले लूंगा, पीडी डॉट यूनिक हम हमेशा से यूज करते हुए आए हैं, और इस डेटा के जो लेबल्स है ना उनके यूनिक लेबल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, एक मिनट, पीडी डॉट यूनिक लेबल्स को मैं एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास लेबल्स आ गए हैं, तो अब मेरे पास लेबल्स अलग हो गए, मैंने सीएसवी फाइल से अपने लेबल्स को अलग कर दिया। अब मुझे क्या करने की जरूरत है, एक डायरेक्टरी को बनाना है जिसमें मैं अपने लेबल्स को भी स्टोर करूंगा और अपने इमेजेस को भी स्टोर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक डायरेक्टरी का नाम बनाता हूं, ठीक है, इन ट्रेन लेबल्स, ठीक है, ट्रेन लेबल्स, राइट। तो इसमें मैंने क्या करना है कि जो भी मेरी डायरेक्टरी यहाँ पे ट्रेन डायरेक्टरी है ना उसमें अपने लेबल्स को अपेंड करते चले जाना है। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग डायरेक्टरी बनाऊंगा, तो ओएस ऑफ मेक डायरेक्टरी, ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ट्रेन डायरेक्टरी को लिया, और एक सेकंड, इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, सबसे पहले अपना स्लैश ऐड कर दिया, वही नेमिंग कन्वेंशन है, और फिर डायरेक्टरी के नेम को डाल दिया, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये आ गया अपना, ठीक है, मेक डायरेक्टरी वाला पोर्शन, फॉर लूप से बाहर आ जाऊंगा अब मैं। तो अब इवेंचुअली मुझे क्या चाहिए, एक फ्रेम, डेटा फ्रेम चाहिए जिसमें मैंने अपनी इमेजेस और उनके नेम को स्टोर कर रखा है। तो उसके लिए भी मुझे अपने बनाना पड़ेगा डायरेक्टरी नेम, ठीक है, ये किस में आएगी, ये भी आपके ट्रेन लेबल्स में ही आ जाएगी, ये है ना आपका ट्रेन लेबल्स हो गया। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, टेम्पररी, एक मिनट, टेम्पररी डेटा फ्रेम बनाऊंगा, ठीक है, टेम्पररी डेटा फ्रेम में क्या क्या स्टोर करने वाला हूँ, जो डेटा है ना आपका, एक मिनट, सॉरी, डेटा है आपका उसका लेबल, ठीक है, डेटा ऑफ लेबल्स, राइट। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अभी इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कि अगर ये आपके ट्रेन सॉरी डायरेक्टरी नेम के बराबर हो रहा होगा तभी उसको सेव करेंगे। तो ये देखिए, एक मिनट, एक, हाँ जी, तो ये देखिए, अगर ये इसके बराबर हो रहा है तभी वो डेटा उधर स्टोर होगा, है ना, राइट। तो आई थिंक ये वाला काफी क्लियर होगा कि टेम्पररी डेटा में वही डेटा के लेबल जाएंगे जिनका नेम हो रहा होगा। बिकॉज देखिए, कुछ इमेजेस ऐसी हो सकती है ना कि इसमें मान लीजिए डॉग है, बट डॉग तो है नहीं पूरे मेरे ट्रेनिंग में, ठीक है, बट मेरी क्लासिफिकेशन में है, तो मैंने उन चीजों को नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या करा है, जो एक्चुअली में मेरी ट्रेनिंग डायरेक्टरी में जो भी इमेजेस है ना उनको नेम के साथ एसोसिएट कर दिया है, बट वो वाली जो इमेजेस है जो जिनका नेम तो है लेबल में बट वैसे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उनको हटा दिया। एक तरीके से आप मान लीजिए कि डेटा को क्लीन कर दिया, मतलब कि नल वैल्यूज को हटा दिया, एक तरीके से आप कह सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूं बट एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि हमने वही इमेजेस लिए जो एग्जिस्ट भी करती है और जिनका लेबल भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये फंक्शन उस चीज के लिए है, ठीक है, तो अपन ने ये कर दिया, एक मिनट, ठीक है भाई।
ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इवेंचुअली ये जो मैंने डायरेक्टरी बनाई थी इसको मैं अपने फॉर्मेट में कर देता हूँ, जो भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए मुझे एफ नेम चाहिए, कहाँ पे चाहिए, अपने टेम्पररी फोल्डर में, राइट। और टेम्पररी फोल्डर में क्या आ जाएगा, मेरा फाइल नेम जो भी है, मेरा एक मिनट, फाइल नेम जो भी है उधर से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ओएस से रीनेम कर देता हूँ अपनी डायरेक्टरी को। तो एक तो मेरा ट्रेन डायरेक्टरी ही आ जाएगी, उसके बाद क्या आएगा अपना जो स्लैश देते हैं, नेमिंग कन्वेंशन है इसमें, तो कोई आई डोंट थिंक ज़्यादा डिस्कस करने वाली बात है, ठीक है। और क्या दूंगा मैं, तो दूसरा आ जाएगा आपका ट्रेन डायरेक्टरी, एक मिनट, और इसमें क्या आ जाएगा आपका डायरेक्टरी नेम आ जाएगा, एक मिनट इसको ऊपर कर देते हैं ताकि ये फ्रेम में रहे, ठीक है। डायरेक्टरी नेम हो जाएगा, और उसके अलावा क्या आ जाएगा, एक मिनट, और आ जाएगा आपका फाइल नेम, राइट। तो आई थिंक ये तो क्लियर। तो ये हमने क्या क्या कर दिया, यहाँ पे अपन ने अपना ट्रेन, जैसे यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट करा, अब इसमें क्या है, हमने ट्रेनिंग डेटा लिया और एक्चुअली अपना ट्रेनिंग डेटा को ही बनाया, क्योंकि हमने सीएसवी फाइल के लेबल्स को उठाया, इमेजेस को उठाया, उनको मर्ज कर दिया, ये हर इमेज के साथ एक लेबल तैयार है। उसके अलावा मेरे पास क्या है कि जो भी मेरे लेबल्स है ना, जो कुछ लेबल्स ऐसे होंगे जो लेबल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बट उनके अगेंस्ट इमेज नहीं है, तो उनको हटा दिया, थोड़ा डेटा क्लीनिंग करके अपना एक बढ़िया डायरेक्टरी तैयार कर दी, इसको रन कर देता हूं। तो अब मेरी ट्रेनिंग डायरेक्टरी तैयार। तो जैसे कि मुझे हर एक प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वैसे ही मुझे इससे ये चीज सीखने को मिली, क्योंकि सिनिक में यह चीज आपको नहीं करनी थी, है ना। तो अब एक बार ये हमारा ट्रेनिंग डेटा तैयार है, तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी डेटा ऑगमेंटेशन पे आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले मैं इमेज की हाइट और विड्थ दे देता हूं। तो मैं इमेज हाइट दूंगा 150 और इमेज विड्थ को भी मैं उतनी ही दे दूंगा, इमेज विड्थ आ गई मेरी 150। और उसके बाद बैच साइज, जैसे कि आपने पहले क्या बैच साइज दिया था 100, तो इस बार एक छोटा नंबर लेके देखते हैं, 16 का बैच साइज लूंगा मैं। तो अब मैं आ जाता हूं अपने डेटा ऑगमेंटेशन या इमेज आपके ऑगमेंटेशन पे, तो उसमें क्या करूंगा मैं, डेटा जनरेशन, ठीक है, एक मिनट, डेटा जनरेशन लिया और ये किधर से आता है, आपके केरास से, एक मिनट, प्री प्रोसेसिंग का पार्ट है जैसे कि आप सभी को पता ही है इसमें, एक मिनट, इसमें मैंने क्या लेना है, इमेज, राइट, एक सेकेंड, हाँ जी, इमेज, राइट। और इसके बाद क्या है, इमेज डेटा जनरेटर, राइट। अब ये है, अब इसमें क्या पास करना है, हमने पहले भी बात करी थी, इमेज ऑगमेंटेशन है, तो सबसे पहले तो मैं रीस्केल करूंगा, क्योंकि हर एक इमेज जो है ना आपकी, वो सेम टाइप में अगर चली गई आपके हर एपॉक में, तो फिर तो भाई वो ओवरफिटिंग का कंडीशन हो सकती है या ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए मैं उसको ऐसे करूंगा कि रैंडम टाइप की इमेजेस जा रही है। तो मैंने पहले रीस्केल किया और उसके बाद उसको 255 में कर दिया, एक मिनट, ठीक है भाई। रीस्केलिंग के बाद क्या हुआ, वैलिडेशन, एक मिनट, वैलिडेशन स्प्लिट की वैल्यू डालनी है मुझे, हो जा भाई, हाँ जी भाई, वैलिडेशन स्प्लिट की वैल्यू मैं डालूंगा 20%, तो ये आ गया 0.2। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, रोटेशन रेंज को भी दे देता हूँ इस बारी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बड़ा डेटा सेट है, बहुत अलग अलग टाइप की है, तो पिछली बारी नहीं दिया था, तो जैसे कि मैंने कहा कि हर बारी कुछ सीखना है, तो इस बारी मैं एक रोटेशन रेंज दूंगा, यानी कि 30। तो क्या है कि 30 डिग्री से इधर उधर रोटेट हो सकता है, ज्यादा उल्टा सीधा रोटेशन अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्टिकल फ्लिप और हॉरिजॉन्टल फ्लिप तो हमने किया ही था, वर्टिकल फ्लिप आ जाएगा आपका, इसको ट्रू करना है, और आपके एक मिनट, हॉरिजॉन्टल फ्लिप को भी हमें क्या कर देना है, ट्रू, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइप से हर बारी ईपॉक में जाए, ठीक है। तो ये चीज तो अपने को पता चल गई। अब अपने को ट्रेनिंग और वैलिडेशन में अलग अलग भी तो करना है डायरेक्टरी से, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, आपका जो सबसेट जो क्रिएट करने वाला पार्ट था, तो इसमें हम क्या करेंगे, डेटा जनरेशन जो आपने यहाँ पे बनाया था इसको यूज करेंगे और डायरेक्टरी से आपकी सारी इमेजेस को फ्लो कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डायरेक्टरी करा, डायरेक्टरी को यूज किया और यहाँ पे ये देखिए, जैसे कि डेटा जेन और डायरेक्टरी से निकालनी है हमें इमेजेस, ताकि हम उसको अलग अलग फॉर्मेट में कर सके हर ईपॉक के लिए। तो सबसे पहले तो मैं अपनी ट्रेन डायरेक्टरी से बुलाऊंगा, ठीक है, उसके बाद सीड डालूंगा कहाँ से शुरू हो, तो भाई मुझे 88 नंबर बढ़िया लगता है इसके लिए, आप कोई भी नंबर अपने हिसाब से ले सकते हैं। उसके बाद मुझे टारगेट साइज देना है, टारगेट साइज देना है, उसमें क्या आ जाएगा मेरा, ये आपकी इमेज हाइट और विड्थ, ठीक है, इमेज हाइट और इमेज विड्थ। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये चीजें क्यों कर रहे हैं हम, मैंने पिछली बार यहीं पे दे दिया था 32 32, है ना, लेकिन इस बार मैंने 150 150 यहां पे दिया है, ताकि अलग अलग, यू नो, आपको
बाकी चीजें आप किसी और का अगर कोड पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसे कर रहे हैं डिफरेंट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी ये चीजें हो सकते हैं, तो इसीलिए हम कर रहे हैं, उसका ज्यादा कुछ ऐसे मतलब नहीं निकाल सकते। इवेंचुअली हमें बैच साइज देना है जो कि यहाँ पे हमने दे ही रखा है बैच साइज, तो यहाँ पे देना, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे देना, यहाँ पे दे दो, यहीं पे दे देता हूँ। यहाँ पे इसलिए करा है कि बाद में जब यूज करना हो तो मैं सीधा इसी का इस्तेमाल कर लूंगा। आप यहाँ पे फिर से दे सकते हो, नहीं तो लो भाई बैच साइज ऐसे कर देता हूँ, कंफ्यूज क्या होना, ठीक है। और इवेंचुअली जैसे पिछली बारी अपन भूल गए थे, या फिर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ये जोक नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए भाई आ जाओ सबसेट दे देते हैं ट्रेनिंग, आ जाइए भाई। ये हो गया, अब मुझे सेम चीज वैलिडेशन के लिए करनी है, तो इसको मारो कॉपी, एक मिनट भाई सारा नहीं मारना है, तो ये लीजिए यहाँ पे किया, इसको ले लिया कॉपी करा, और एक मिनट बस, ये लीजिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा वैलिडेशन के लिए है। एक मिनट रुक जाइए, वैलिडेशन डेटा मैं यहीं से लूंगा, ट्रेनिंग डायरेक्टरी सीड वगैरह बैच साइज सब कुछ सेम रहेगा, और बस सबसेट मेरा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा वैलिडेशन। ये हो गया मेरा वैलिडेशन, ठीक है भाई। अब मैं इसको एक बार रन कर देता हूं और देखते हैं ट्रेनिंग और वैलिडेशन में कितनी इमेजेस जा रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है भाई। ठीक है गाइस, सॉरी ये फ्लो डायरेक्टरी है, ये फ्लो डायरेक्टरी नहीं होगा, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी होगा, ठीक है भाई, गलतियां नहीं करनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इससे अपने को और भी चीजें सीखने को मिली, ये सही हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि 257 क्लासेस हैं हमारे पास, 17,193 अपनी ट्रेनिंग में है और 4,173 अपने वैलिडेशन में है। तो हमने क्या करा, हमने अपनी पहले फाइल में एक ट्रेनिंग डेटा को बढ़िया से प्रिपेयर कर लिया, उस पर थोड़ा ऑगमेंटेशन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा सारा डेटा ऑगमेंटेशन भी हो चुका है तो अब मुझे अपना कॉन्वोल्यूशन लेयर बनानी है, ठीक है। इसमें आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, अब अपना डेटा तैयार है कॉन्वोल्यूशन लेयर के लिए, तो मैं बनाता हूं अपना कॉन्वोल्यूशन मॉडल। और यहाँ पे क्या है, हमें एक ही कॉन्वोल्यूशन मॉडल सफिशियंट है, मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा डेंस नहीं भी बना रहे हैं तो भी ऐसे कोई आपकी बहुत मेजर इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो मैं करता हूँ अपना केरास डॉट मॉडल्स डॉट सीक्वेंशियल, ठीक है। ये चीज भाई मुझे नहीं पसंद है, फिर भी ये क्यों आ जाती है, कोई बात नहीं, आइए। अब अपने को क्या करना है, अपने को दो कॉन्वोल्यूशन, मैक्स पुलिंग, ड्रॉपआउट, ये सारी चीजें हमें पता ही है, तो इधर से निकाल लेते हैं केरास डॉट लेयर्स डॉट, एक मिनट, कॉन्वोल्यूशन चाहिए ना अपने को, कॉन्वोल्यूशन 2D होगी। इसमें सबसे पहले आपको इनपुट शेप डालना पड़ेगा, इनपुट शेप आप डालेंगे वो क्या हो जाएगी, जैसे हमने पहले अलग अलग दिया था, इस बारी इमेज हाइट और इमेज विड्थ ही दे दूंगा मैं, ताकि सेम ग्राउंड्स पे रहे, राइट। उसके बाद मुझे फिल्टर्स डालने हैं, इसमें क्या होगा, जैसे कि मैं नॉर्मली यूज करता हूँ फिल्टर्स 32, एक मिनट 32। पैडिंग सेम रखनी है, जैसे कि आपको पता ही है क्यों सेम रखनी है, ताकि जो कॉर्नर में इमेजेस हो उसको कॉर्नर में जो चीजें हो, जो भी चीजें हो हमें चाहिए हो, ऑब्जेक्ट्स हो कुछ भी, तो उसको हम अच्छे से कर सके, बाकी कर्नल सही जाएगा। और ये तो मेरे ख्याल से CNN इतनी बारी यूज हो चुका है कि अपने को सबको पता ही होगा कैसे करना है, क्योंकि आपके डीप लर्निंग में काफी ज्यादा यूज होता है। एक मिनट भाई, एक्टिवेशन फंक्शन भी देना है, अभी कहाँ जा रहे हो, एक्टिवेशन फंक्शन आ जाएगा फिर अपना, एक्टिवेशन, सॉरी यार, एक्टिवेशन कौन सा यूज करेंगे, स्विश, क्यों यूज करेंगे स्विश, क्योंकि वो इस कैटेगरी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो आपके इमेज क्लासिफिकेशन है, राइट। तो अब मेरे को क्या करना है, दो कॉन्वोल्यूशन और एक मैक्स पुलिंग आएंगी, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी मार लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, और एक मिनट कहाँ गया, हाँ जी भाई, तो यहां से कॉपी करके मैंने दो मैक, आहा, एक मिनट, ये लीजिए मैंने इसको कॉपी कर दिया, और यहां पे मैंने अब क्या करना है, इसको पेस्ट करना है फिर से, ये लीजिए पेस्ट कर दिया है। बट इस बारी मुझे क्या है, इनपुट साइज नहीं देना है, क्योंकि इनपुट साइज सिर्फ इनपुट लेयर के लिए होगा, तो उस केस में अब मैं क्या करूंगा, फिल्टर्स को सेम ले लूंगा और बाकी फिर अपना मैक्स पोलिंग लगा दूंगा। तो ये लीजिए मेरा आ गया tf डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट मैक्स पोलिंग आएगी इस बारी, ठीक है। हम बहुत ज्यादा डेंस नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें बैच नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। ड्रॉप आउट भी करूंगा मैं, 20% को ड्रॉप आउट कर देता हूं, ठीक है, एक मिनट, तो मेरा ड्रॉप आउट हो गया कितना, 20%, राइट। तो आउटपुट से पहले हम दो और लेयर्स देंगे, तो इसको कॉपी कर लेता हूं, तो ये लीजिए मैंने इसको कॉपी किया, मिनट, ये लीजिए कॉपी कर दिया, तो इसको मुझे अलग से कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पे पहले तो कॉमा लगा दो भाई, इससे पहले भूल जाऊं और एरर फेंके, तो ये लीजिए, और मैं सबसे पहले इसको अलग से कॉपी करूंगा,
क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे दो चाहिए ना, दो कॉन्वोल्यूशन और एक मैक्स पोलिंग चाहिए, राइट। तो ये ले लीजिए, यहां पे मेरा एक मिनट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको एक और बारी करना था ना, तो ये ले लीजिए, पेस्ट कर दिया, कॉमा देख लो भाई, कॉमा है सारा, राइट। इसमें इनपुट शेप क्यों आ रहा है बार बार, इनपुट शेप तो नहीं चाहिए, इनपुट शेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया क्या, अच्छा कोई बात नहीं, तो ये इनपुट शेप नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, इनपुट शेप यहाँ पे भी नहीं आएगा और इनपुट शेप यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये इनपुट शेप सिर्फ इनपुट के लिए आता है, राइट, तो इसीलिए हमें इनपुट शेप नहीं देना है, ओके। और ये लीजिए, यहाँ पे भी इनपुट आपका शेप नहीं आएगा, ठीक है गाइस। और ये भाई एक मिनट, ये देखिए ये सही हो गया, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ नहीं मिस कर रहा ना, राइट, ठीक है, ये हो गया मेरा दो कॉन्वोल्यूशन एक मैक्स पूलिंग, दो कॉन्वोल्यूशन एक मैक्स पूलिंग, यहाँ पे आपको सबको पता है इंक्रीज करते जाना है, तो 264 और ये भी 64 हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको 128 कर देंगे, 128 कर देंगे, बाकी सारा सेम रहेगा, राइट। तो अब ये सारी चीजें मेरी तैयार हो गई, मेरा CNN नेटवर्क तैयार हो गया, अब मुझे लास्ट में करना है अपना, फ्लैट इन पे जाना है, तो ये आ जाएगा मेरा tf.keras.layers. और ये फ्लैट इन कर दूंगा मैं इसको, ठीक है। और आगे बढ़ के क्या करना है, बाद में डेंस अपना बनाते ही हैं हम, तो keras.layers. ठीक है, डेंस, और डेंस में मैंने क्या करना है, पहले तो 128 पास करूंगा और एक्टिवेशन फंक्शन अपना जैसे कि पहले भी अपन ने करा है स्विश यूज करेंगे, एक मिनट और ये हो जाएगा अपना स्विश। और उसके बाद इवेंचुअली हमें क्या करना है, सॉरी पहले ड्रॉप आउट भी तो करना है, tf.keras.layers.dropout, ड्रॉप आउट, इसमें भी 20% को ड्रॉप आउट कर देते हैं, और लास्ट में जो हमारा आएगा वो अपना फिर से डेंस आएगा, एक मिनट, हमारा डेंस आएगा, लेकिन इस बारी जैसे कि हमेशा से करते आए हैं को चेंज करेंगे, एक मिनट, ठीक है। सबसे पहले तो ये सॉफ्ट मैक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, कि जैसे हर बारी आप क्या करते थे ना, कि यहाँ पे 10 दे देते थे या कुछ बहुत ही स्मॉल नंबर देते थे, बट इस बार मैं ज्यादा बड़ा नंबर दूंगा, क्योंकि मैं जो आउटपुट है ना उसको काफी डेंस चाहता हूँ, तो मेरे जितने नंबर जैसे 10 क्या देते थे, मैं तो सीधा सीधा आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है ना, ये आउटपुट है अपना, तो आउटपुट वही आएगा जितने नंबर ऑफ आउटपुट्स है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 257 क्लासेस है, तो यहाँ पे हमने 257 कर दिया, जब हमने सिनिक करा था तो 10 करा था, क्यों करा था, क्योंकि उसमें 10 नंबर ऑफ आउटपुट्स थे, राइट। तो ये चीज ऐसे हो गई, अब मैं इसको रन कर देता हूं, मेरा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क मेरा तैयार है, राइट। तो देखो जरा भाई तैयार है भी कि नहीं, क्या दिक्कत आ रही है भाई, कंपैटिबल, अच्छा कॉमा लगाना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, ये लो, क्या दिक्कत आ गई अब, क्या दिक्कत आ रही है, 150 तो तीन डायमेंशन दिए तो हैं, अरे 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 अरे, हाँ जी भाई सॉरी गाइज, यहाँ पे हमें तीन डायमेंशन देने, RGB फॉर्मेट है ना, तो हमने पहले भी इसमें हमेशा देखा है कि तीन कलर आएंगे, तो अब ये सही हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे कि ये अब सही हो चुका है, तो मेरा कॉन्वोल्यूशन लेयर बन चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे डेंस तो मुझे निकालना नहीं है, तो मैं अपने मॉडल में सीधा अपने कॉन्वोल्यूशन मॉडल को सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये बन चुका है, एक बार ये बन चुका है तो मुझे लर्निंग रेट पे वर्क करना है, तो सबसे पहले मैं इनिशियल लर्निंग रेट दूंगा, एक मिनट, इनिशियल लर्निंग रेट दूंगा, और वो क्या दे दूंगा मैं, 0.003, जनरली यही देते हैं, यही मैं भी देता हूँ, तो मैं इसको आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। अब मेरे को शेड्यूल करना है, राइट, शेड्यूल करना है, तो मैं कैसे शेड्यूल करूंगा, ऑप्टिमाइजेशन के लिए है, तो ऑप्टिमाइजर्स, और आगे क्या आ जाएगा, शेड्यूलर, शेड्यूल सॉरी, और आगे एक्सपोनेंशियल डीके, ठीक है, ये अच्छे से यूज कर चुके हैं हम, तो बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन इस पे बनता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं इनिशियल लर्निंग रेट को डाल दूं, ठीक है, इनिशियल लर्निंग रेट के बाद डीके स्टेप्स चाहिए अपने को, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए, हम ये तो नहीं चाहते कि वो लर्न करता ही रह जाए, तो उसको एक सर्टेन स्टेप्स चाहिए कि वो कैसे डीके अपना करता चला जाएगा, तो उसको मैं दूंगा 300। उसके बाद डीके रेट चाहिए कि कितनी तेजी से वो
डीके कर रहा है तो उसको तो मैं दे दूंगा 96% या 0.96, और उसके बाद मुझे स्टेयर केस चाहिए क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि एकदम से कम या बढ़ जाए, तो वो एक स्टेयर केस के फॉर्मेट में चलता चला जाए, तो उसको मैं कर दूंगा ट्रू। तो ये हो गया ट्रू मेरा। तो ये लीजिए मैं इसको रन करके देख लेता हूँ, ठीक है क्या दिक्कत आ रही है, डी के स्टेप में क्या दिक्कत है भाई, देखें तो सही है इनिट डी के स्टेप, डी के आर्ग्यूमेंट डी के स्टेप्स, अच्छा स्टेप्स भाई ठीक है। तो अब देखते हैं, हाँ जी तो आप देख सकते हैं कि आपका जो लर्निंग रेट है वो भी आपने डिफाइन कर दिया, क्योंकि जब आप बैक प्रोपगेशन कर रहे हैं तो आप ये नहीं चाहते कि वो फंसे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा करने के बाद हमने जैसे कि हमेशा से करते हैं चेक पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने हैं अपने, फिर ईपॉप में जाना है ऑप्टिमाइजर्स लगाने के बाद। तो सबसे पहले मैं अब आ जाता हूं चेक पॉइंट्स पे, ठीक है। तो अपने को चाहिए चेक पॉइंट, और चेक पॉइंट कैसे आएगा, टीएफ डॉट केरास डॉट कॉल बैक, ठीक है। कॉल बैक्स तो अपने को चाहिए ही, और अपने को मॉडल चेक पॉइंट्स चाहिए, है ना। क्यों चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई वो अपना एक बार ही हमारी कोई गलती निकले तो हम शुरू से कर रहे हैं, तो हमें चेक पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं कि जब वो वेट को सेव कर ले एक सर्टेन, यू नो जब भी ईपॉक रन हो रहे हैं या एक सर्टेन लर्निंग के बाद, राइट। तो उसके लिए हम चेक पॉइंट्स लगाते हैं, हमने पहले से डिस्कस कर रखा है, ठीक है। मॉडल वेट्स करेंगे जो कि क्योंकि वेट सेव हो रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है ना। और फिर HFD लगाएंगे, HDF 5, तो इसको भी मैंने अच्छे से डिस्कस किया है, नहीं भी तो आप सिनिक भी देख सकते हैं, वैसे भी ये तो बहुत बारी डिस्कस हो चुका है, अब तो मेरे ख्याल से ये तो सभी को क्लियर ही होगा, ठीक है। अब हमें मॉनिटर लगाना है, ठीक है। मॉनिटर क्यों लगाना है, क्योंकि भाई हमें वैलिडेशन एक्यूरेसी चाहिए, तो ये भी बताना पड़ेगा ना। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम में, तो इसीलिए हम मोड भी लगा देंगे कि कौन सा चीज मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और हमें वेट्स को सेव करना है, तो हम वही करेंगे, सेव वेट्स ओनली, ये लीजिए। तो इसको मैं ट्रू कर देता हूं, और वर्बोज को मैं क्या करूंगा, जीरो, क्योंकि देखिए वर्बोज वही होता है कि कितना आपको आउटपुट दिखेगा, तो वो चीज मुझे देखनी नहीं है भाई, तो मैं ये ले लेता हूं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, और मैं कॉल बैक्स में सेव कर लेता हूं इसको, किसको, चेक पॉइंट्स को, सबके चेक पॉइंट्स को मुझे सेव करना है। तो ये लीजिए भाई मेरा सेव हो गया, ठीक है। अब मैंने ये कर दिया है, तो अब आपको पता ही है लर्निंग रेट हो गया, चेक पॉइंट हो गया, तो अब मुझे इवेंचुअली ऑप्टिमाइज करना है, तो उसके लिए मैं अपना ऑप्टिम यूज करूंगा, और अगेन टेंसर फ्लो की मदद लूंगा, ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूं, आरएमएस प्रॉप यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मैं रूट मीन स्क्वायर निकालने वाला हूं, रूट मीन स्क्वायर एरर की मदद से ये कर रहा हूं, पिछली बारी मैंने कुछ और लिया था, तो ये वही है, इमेज क्लासिफिकेशन है, तो आपको ये सारी चीजें पता ही है, दो अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं हम, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो सबसे पहले मैं एक लर्निंग रेट डालूंगा, लर्निंग रेट क्या होगा अपना, LR शेड्यूलर से निकालूंगा, यहां पे है भाई, तो इसको बस सीधा कॉपी करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहां से चाहिए, तो ये लीजिए इधर इसको पेस्ट कर दिया, तो अपने को पता चल गया कि रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालना है। और लॉस फंक्शन जैसे कि पहले भी बात करते हुए आए हैं कि हमारा क्या होने वाला है, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, कैटेगोरिकल क्रॉस एंट्रोपी, राइट। तो अपने को ये पता चल गया, इसको रन करके देख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि लॉस फंक्शन भी हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसको कंपाइल करना है बस, और अपने ईपॉक रन करने हैं, ठीक है। तो जब आप मॉडल को कंपाइल कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपना ऑप्टिमाइजर डालेंगे, ऑप्टिमाइजर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ऑप्टिम में, ठीक है। आरएमएस प्रॉप याद रखिएगा, ऑप्टिमाइजर यहाँ पे इस बार यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको ऑप्टिम कर दिया, और आगे, ठीक है। अब हमें लॉस फंक्शन बताना है, तो लॉस हमारा कौन सा होगा, ये लीजिए लॉस, एक मिनट, लॉस फंक्शन हो गया। और इवेंचुअली हमें मैट्रिक्स तो बताने ही पड़ते हैं, मैट्रिक्स क्यों बताने पड़ते हैं, क्योंकि भाई मैट्रिक्स जो है आपका वो एक्यूरेसी के, मतलब आपकी एक्यूरेसी को बता रहा है, राइट, लॉस का उल्टा। तो हमें मैट्रिक्स क्या चाहिए, एक्यूरेसी, राइट। तो अब ये तैयार हो गया, मेरे ख्याल से मॉडल कंपाइल्ड है, ठीक है। तो अब हमने सब कुछ कर दिया, थोड़ा डेटा ऑगमेंट भी करा अपना, सब कुछ करके देख लिया, मॉडल भी बना लिया। अब हमें अपने पहले मॉडल समरी देख लेनी है, इससे पहले कि हम ईपॉक पे जाएं, देखते हैं भाई हमारा मॉडल जो है वो कैसा दिखता है। जब मैंने मॉडल समरी करी तो मुझे ये देखा कि दो कॉन्वोल्यूशन लेयर है, उसके बाद एक मैक्स पुलिंग है, थोड़ा ड्रॉप आउट किया है, ठीक है। ये सारी देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सीधा आधा हो जाता है, ठीक है, थर्ड लेयर में नहीं, इधर, ठीक है। तो उसके बाद ये मैंने एक बढ़िया सा मॉडल बनाया, आपको पैरम्स भी दिख रहे हैं, ट्रेनेबल पैरम्स भी दिख रहे हैं, ठीक है, सारी ही हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैं पहले ईपॉक्स जो है अपने उसको कर देता हूँ 5, ठीक है, अरे, और उसके बाद मैं अपना बैच साइज भी यहीं पे दे देता हूँ, ठीक है। आप उधर भी दे सकते हैं, बट मुझे आगे आपको वो जो दिखाना है, पिछली बारी भी दिखाया था, या इधर आप देखेंगे ही कि जो आपका एक्यूरेसी और लॉस जो है
वो वैलिडेशन में और ट्रेनिंग में कैसे रिलेट करता है उसको भी दिखाना है, तो इसीलिए मैंने इधर भी अलग से लिया है। उसके अलावा भाई मैं जो भी अपनी ईपॉक्स और अपना मॉडल है उसको इधर, मतलब जैसे भी वो फिट हुआ उसको हिस्ट्री में स्टोर करूंगा, तो मैं सबसे पहले अपना ट्रेन पास कर दूंगा उधर, ऊपर हमने ट्रेन करा ही था। एक मिनट यार, वैलिडेशन भी पास करूंगा, वैलिडेशन डेटा जो है वो अपना वैलिड में है, ठीक है, ऊपर मेरे ख्याल से आपको याद ही होगा, यहाँ पे वैलिड में और ट्रेन में हमने स्टोर किया था, ठीक है। तो अभी अपना वैलिड हो गया, उसके बाद हमें ईपॉक्स देने हैं, ठीक है। ईपॉक्स आप कैसे भी दे सकते हैं, या तो ऊपर वाले दे दीजिए या अलग से इधर से 5 दे दीजिए, इधर से 5 दे देता हूँ अगर आपका मन है तो, उधर भी दे सकते हैं। अगेन बैच साइज इधर भी दे सकते हैं उधर भी दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इस बार यहाँ पे दे देता हूँ। एक मिनट, बैच साइज दे दिया आपने, और इवेंचुअली हमें क्या करना है, हमें कॉल बैक्स भी देने हैं जो हमने यहाँ पे अपने चेक पॉइंट सेव करे थे, तो उनको भी देना है कि कहाँ पे जाकर वो वापस से चेक करेगा। तो अब हम कर देते हैं अपना कॉल बैक्स, ठीक है, और इसको क्या करना है, कॉल बैक्स ये सेम नेम दे रखा है, तो अब हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारे ईपॉक रन होने शुरू हो जाएंगे। क्या दिक्कत आ गई भाई, डबल ओ दे दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, ये लीजिए अब रन कर दीजिए, इसमें क्या है। तो ये देखिए अब ईपॉक हमारे रन होने शुरू हो गए हैं, तो ये थोड़े स्लो है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी आ जाएगा। तो बहुत बड़ा डेटा सेट है, आपको पता ही है, जैसे कि मैंने दिखाया था कि 257 कैटेगरीज हैं, और उसके अलावा जैसे 0 से 256 तक कैटेगरीज है। यहाँ पे देखिए कि एक ईपॉक का एस्टिमेटेड टाइम वो 3 मिनट बता रहा है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है। 1075 आपकी इमेजेस है पर ईपॉक, तो और उसमें एक्यूरेसी देखिए, मैंने जैसे कि पहले भी बोला था एक्यूरेसी थोड़ी इनिशियली कमी आएगी, तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, जैसे जैसे आप अपना सेटअप को ऑप्टिमाइज करेंगे वो अपना बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो उसमें ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, अगर एक्यूरेसी कम भी आ रही है जब आप उधर अपलोड, क्योंकि हमें याद रखना है कि हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम अपने इस कॉम्पिटिशन के लिए वर्क कर रहे हैं, राइट, इस कॉम्पिटिशन के लिए कर रहे हैं, तो हमें इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, वो हो जाएगा। तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे एक्यूरेसी बढ़ेगी, और वो इसमें थोड़ा बेटर ही बताएगा, ठीक है, कि बिकॉज थोड़ा इमेज डेटा सेट टेढ़ा है, ठीक है। तो हम क्या, राइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सारे ईपॉक रन हो चुके हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ी वैलिडेशन एक्यूरेसी आपको इतनी बढ़िया नहीं दिख रही होगी जैसे नॉर्मली हमें दिखती है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा मॉडल ही ऐसा है तो इसलिए ऐसा हो जाता है, 15 मिनट लगे हैं ईपॉक रन होने में। तो हम आगे करते हैं, तो मैं आपको, अब यहाँ पे बात हो ही रही है तो मैं आपको एक ग्राफ दिखा देता हूँ आपका, जैसे हमने पहले भी बात करी हुई है, तो पहले रेंज ईपॉक्स तक जाएंगे हम, ठीक है, और उसके बाद मैं PLT डॉट आपका प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है। पहले तो एक्स एक्सिस को करूंगा, उसके अलावा मेरे को हिस्ट्री को करना है, ठीक है। ये वाला पार्ट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम इसको क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपना देखना है कि कैसा गया। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ लॉस करना है, हिस्ट्री क्यों, क्योंकि हिस्ट्री में मेरे सारे ईपॉक सेव्ड हैं, ठीक है, और उसमें से मुझे लॉस वाला पार्ट चाहिए, जो ये वाला लॉस वाला पार्ट है, ठीक है। और अपने को कैसे जाना है लॉस में, ठीक है, लॉस के बाद क्या लेबल देख लेता हूं मैं, लेबल क्या जाएगा मेरा, ये तो उसका लेबल होगा जो मेरा ग्राफ का लेबल है, ठीक है। तो इसमें मेरे को चाहिए ट्रेनिंग लॉस, और सेम मेरा आ जाएगा आपका वैलिडेशन के लिए। एक मिनट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वैल लॉस, वैलिडेशन लॉस, और यहां पे आ जाएगा वैलिडेशन लॉस, ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहां पे एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे हो गया ये दोनों, और ये इधर। अब मैं लेजेंड कर देता हूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कौन सा वाला क्या है। तो ये देखिए, तो अब मेरा क्या पे हो, PLT यहाँ पे है नहीं, तो कोई बात नहीं, एक मिनट, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस PLT कर देते हैं, अब रन करके देखते हैं। तो अब आप ये देखिए कि ये कैसे आ रहा है, कि जो ट्रेनिंग है ना वो एक तरीके से एकदम लो जा रही थी, और फिर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पे इसके साथ जुड़ गई है, और वैलिडेशन लॉस तो कांस्टेंट ही था, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मतलब जैसे ये डेटा थोड़ा ऐसा है ना, तो इसलिए ग्राफ है, उस टाइम क्या था ऐसे जिगजैग बन रहा था। तो सेम अगर मैं अभी आपको आपके एक्यूरेसी के लिए दिखाऊं ना तो भी काफी सिमिलर सा बनेगा। तो ये देखिए, एक मिनट, कंट्रोल सी किया मैंने, इधर कंट्रोल वी किया, पर इस बारी मैं क्या करने वाला हूँ, एक्यूरेसी के लिए करने वाला हूँ। एक मिनट, ACC हो जाएगा, यहाँ पे वैलिडेशन एक्यूरेसी आ जाएगा, और ये हो जाएगा ट्रेनिंग एक्यूरेसी,
और ये भी हो जाएगा वैलिडेशन एक्यूरेसी। तो ये देखिए अब मैं अगर इसको कर, ये थोड़ा ऐसे जा रहा है, ट्रेनिंग कैसे हो रही है, पहले कांस्टेंट है और उसके बाद फिर थोड़ा डिक्लाइन होकर इंक्रीज हो रही है वैलिडेशन एक्यूरेसी। जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट थी, यहाँ पे भी कांस्टेंट ही चली जा रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ से, ये आपके मॉडल बनाने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं बस ये दिखा रहा था कि जो आपके ईपॉक रन हुए हैं इसमें ये जो पैरामीटर्स आते हैं, लॉस वैलिडेशन लॉस एक्यूरेसी और वैलिडेशन एक्यूरेसी, ये कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब जब ये सब हो चुका है तो मुझे क्या करना है कि जैसे मेरे पास यहाँ पे टेस्ट भी था, राइट, ये देखिए आप मेरे पास टेस्ट इमेजेस भी थी, तो अब मुझे टेस्टिंग करनी है ना, मेरा मॉडल तैयार है। तो पहले मुझे अपना टेस्टिंग डेटा को ऐसे फॉर्मेट में करना पड़ेगा कि जिसको यूज करके मैं अपना मॉडल में डाल सकूं, है ना, क्योंकि वो दोनों सेम होंगे तभी तो मेरा मॉडल प्रिडिक्ट कर पाएगा। तो उसको उस फॉर्मेट में करने के लिए हम फिर ग्लॉब यूज करेंगे जो हमने डाला था। तो सबसे पहले एक मिनट, तो सबसे पहले मेरा आ जाएगा एफ नेम, जिसमें मैं अपनी फाइल का नाम दूंगा, और उसके बाद क्या करूंगा, टेस्ट, जिसमें मैं अपनी इमेजेस को स्टोर करूंगा। दो एरे ऐसे बनाऊंगा, क्यों ऐसे बना रहा हूं, क्योंकि एक में नाम होगा, एक में टेस्ट। नाम क्या होगा कि जो इमेज का, जैसे 101 point, यू नो, जो भी है, जेपीजी, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लीजिए 2054.jpg, तो वो होगा मेरा फाइल का नेम, और टेस्ट में वो एक्चुअल फाइल होगी, राइट। क्यों? क्योंकि हमें उसको लेबल से फिर यू नो मैपिंग करनी है, राइट। तो ये देखिए, तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या करूंगा, अपनी टेस्ट डायरेक्टरी को लूंगा। टेस्ट डायरेक्टरी क्या आएगी, एक मिनट रुक जाइए, यहां से मैं अपने इस पाथ को कॉपी कर लेता हूं, टेस्ट को, ठीक है। तो यहां से मैंने कॉपी कर लिया और यहां पे करके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास टेस्ट तो है यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट इमेजेस हैं। तो मैं इसको हटाकर डॉट कर देता हूं, क्या, कि इससे पहले का जो भी पाथ है, और फिर यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास अब अपनी जो टेस्ट डायरेक्टरी है उसका पाथ आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं ग्लोब को यूज करूंगा और उसको मैप करने की कोशिश करूंगा जो मेरी यहाँ पे डायरेक्टरी में है, ठीक है। तो मैं इसको लेता हूँ इन फाइल डॉट, सॉरी, फाइल में जो है ग्लोब डॉट ग्लोब आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, बार बार लिखने के बढ़िया मैंने टेस्ट डायरेक्टरी को यूज किया, और फिर मुझे क्या करने की जरूरत है ना, ये लगाया मैंने, और एक सेकेंड, ठीक है, स्टार डॉट जेपीजी, राइट, एक मिनट, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये गलती हो गई है, ये लीजिए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये जो ग्लोब डॉट ग्लोब है, ये चेक करेगा कि यहाँ इस डायरेक्टरी में जेपेग नाम से, मतलब ये देखिए इसका क्या मतलब है कि ये सब इधर तक आ जाओ, पाथ प्लस हाइफन, और ये स्टार का क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा ही देता हूं, ये देखिए कि मेरे पास ये 256 इमेजेस है, इनका कुछ नेम होगा, जैसे मान लीजिए 1054, तो ये स्टार है कि कोई भी नंबर हो डॉट जेपीजी, मतलब इस डायरेक्टरी में जितनी भी जेपीजी फॉर्मेट की फाइल्स होंगी उनको आप पहले चेक करोगे, उनको ढूंढोगे, और फिर अगर वो मेरे को मिल गई तो फिर मैं आगे का काम करूंगा। एक मिनट भाई, क्या हो रहा है इधर, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा डेटा सेट है, तो इसलिए ये देखिए अब आ गया, कोई बात नहीं, अब सही हो गया। तो देखिए 1001-test वो इस स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट जेपीजी, ठीक है, स्टार डॉट जेपीजी हो गया, और टेस्ट डायरेक्टरी यहां तक का पाथ है, जहां जैसे कि यहां से हमने कॉपी करा था। तो इसको हटाता हूं, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हटाया और फिर मैं अपने लूप में आ गया कि इसको ढूंढो भाई। तो ये जो इमेजेस है ना, मैं इसको एक जगह स्टोर कर लूंगा, तो उसके लिए जो मैंने PIL से इमेज उठाया था उसको ओपन करूंगा, एक मिनट, उसको ओपन करूंगा और इन फाइल से चेक कर लूंगा। क्यों? क्योंकि इन फाइल में वो पाथ होगा जो यहाँ पे है टोटल, ठीक है। तो इन फाइल से चेक कर लूंगा, तो मेरे पास इमेज आ गई। अब उस इमेज को ना मुझे रिसाइज करने की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा, इमेज को रिसाइज कर दूंगा, कैसे, कि मेरे इमेज हाइट और इमेज विड्थ के फॉर्मेट में हो जानी चाहिए। क्यों ऐसे हो जानी चाहिए, क्योंकि भाई वो जो है, जो अपना टेस्ट का भी साइज है वो ट्रेन के बराबर ही, तो वरना भाई कैसे करोगे, किसी चीज को किसी पे ट्रेन करके दूसरे पे टेस्ट तो नहीं कर दोगे भाई। मान लो कि जो क्रिकेट खेल रहा है, विराट कोहली को अगर बोल दो कि रोनाल्डो के साथ खेलो, तो वह सेम थोड़ी खेल पाएंगे, ऑब्वियसली बातें नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हमें उसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने रिसाइज कर दिया, अब मुझे क्या करने की जरूरत है, मेरे पास नेम आ चुका है, अब इसमें मैं अपेंड कर दूंगा, क्या करूंगा, इन फाइल को, और कैसे, कि स्प्लिट किससे हो रहा है कि ये देखिए, अब स्प्लिट ना मैं इससे यूज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है अभी आपको समझा देता हूं। पहले मैं यहां पे कर दूं कि सबके लिए ऐसे होगा, ठीक है, लास्ट तक जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्लैश से जो भी स्प्लिट हो रहा है ना, उसका नेम मुझे यहां पे डालना है, मतलब स्लैश के बाद का। तो मतलब एक्चुअली वो जो मैंने 1001.jpg दिखाई थी, वो फाइल का नेम इधर अपेंड हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, नेम एक बार अपेंड हो गया, तो अब मुझे इमेज भी अपेंड करने की जरूरत है। तो मैंने क्या करा, np.as array,
ठीक है, इसको एरे के फॉर्मेट पे करना है और इमेज पास कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरी numpy एरे के फॉर्मेट में हो गई, राइट। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि नेम अपेंड हो गया और मेरे पास एक इमेज आ गई जो numpy एरे के फॉर्मेट में, जिसके पिक्सल्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसकी जो शेप है ना उसकी लेंथ देखनी है। तो वो क्या है, अब आ जाइए देखते हैं कि img ऑफ एरे, ठीक है, इसका शेप देखता हूं मैं। ठीक है, इसके शेप की जो लेंथ है ना वो 2 के बराबर अगर हुई, क्यों हमें 2 के बराबर लेनी है, क्यों हमें 2 के बराबर लेनी है, क्योंकि भाई एक हाइट होगी एक विड्थ होगी, तो भाई शेप कितनी हो सकती है, भाई दो शेप अगर दी होंगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो फिर क्या होगा, इमेज ऑफ एरे जो है ना इसको रीशेप करना है, क्यों, क्योंकि अब आरजीबी है तो हमारे जो इनपुट है वो भी 3 होने चाहिए। ऊपर आपने देखा होगा एरर आ गया था, क्यों एरर आ गया था, क्योंकि मैंने 3 इनपुट्स नहीं दिए थे, तो ऑब्वियसली आरजीबी इमेज है तो मेरे 3 इनपुट्स होने चाहिए। तो आइए इसको मैं रीशेप कर देता हूं। ठीक है, इसको मैंने रीशेप कर दिया, इसमें मैं क्या डालूंगा, आईएमजी की हाइट, एक सेकेंड, आईएमजी की हाइट डाली, आईएमजी की विड्थ डाल दी, एक मिनट इसको ऊपर कर देता हूं, और लास्ट में क्या करा कि मेरा थर्ड पैरामीटर कुछ है नहीं तो इसमें मैंने 1 ही पास कर दिया। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे इसको अपेंड करना है, जैसे ये मेरा एक फीचर है, ठीक है, तो वो अब एक फीचर से तो मेरा कुछ काम चलने नहीं वाला, क्योंकि क्या है आरजीबी 3 फॉर्मेट्स है, तो इसीलिए मुझे इसे 3 बारी, एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं कि ये 1 आया, ठीक है, आईएमजी डॉट हाइट, आईएमजी डॉट विड्थ और 1, तो एक्चुअली 3 बनेगा, क्यों, आरजीबी फॉर्मेट है, ठीक है, 3 एक्सेस है एक तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड जिससे आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए अब मैं इसको अपेंड करूंगा और इसको एक बार लिख दूं, तो उसके बाद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि मैंने क्या करा, इस numpy array को अपेंड कर दिया और फिर से अपेंड चलाया। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले img ऑफ arr डालूंगा, img ऑफ arr डालूंगा और इसमें एक्सेस को कर दूंगा 2। ठीक है, और फिर मैं यहां पे img ऑफ arr डालूंगा और एक्सेस को कर दूंगा, एक्सेस को कर दूंगा 2। ठीक है, तो अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर मैं आपको समझा देता हूं, ये हमने सिनिक में भी अच्छे से डिस्कस किया था, तो मैं इधर भी डिस्कस कर देता हूं कि ये देखिए, अब मेरे पास एक इमेज है जो ऐसी है, ठीक है, img.height.width और उसका ये वाला पार्ट 1 है, तो मैं ये उस इमेज में सेम इमेज को अपेंड कर रहा हूं। एक्चुअली क्या ये एरे है, राइट, तो आप जब अपेंड करेंगे तो ये एक और डायमेंशन इधर आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आप देखिए ना मेरे पास एक फीचर है, ठीक है, तो मैं उसके थर्ड डायमेंशन को तो देख ही नहीं रहा हूं, तो लेकिन मुझे उसे देखने के लिए उसको अपेंड करना पड़ेगा ना उसमें, तो इसीलिए मैंने दूसरे व्यू से उसको अपेंड करा। और एक्सेस का मतलब 2 क्या हो गया, जैसे कि लेंथ रो वाइज क्या होता है 0, कॉलम वाइज होता है 1, और जी एक्सेस में एक्सेस हो गया 2। सेम अब एक बारी क्या हुआ कि ये और ये अपेंड होके एक हो गई, उसके ऊपर तीसरी बारी मुझे अपेंड करना पड़ेगा इन दोनों के ऊपर, और सेम तीसरी डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने इसको 2 बारी अपेंड करा है। ठीक है, तो एक बारी ये अपेंड हो गया ना, तो अब मुझे क्या है कि जो मैंने यहाँ पे टेस्ट बनाया था, जो टेस्ट इमेज है उसमें इसको स्टोर कर दो, ताकि हम इसे एक्चुअली में टेस्ट कर सके। तो ये लीजिए भाई, मैंने इसको टेस्ट में, एक सेकेंड, अपेंड कर दिया, कैसे करा, img ऑफ arr, और इसको कैसे करना है, मुझे रीशेप करना है, जिस भी फॉर्मेट में वो होगा उसको रीशेप कर दूंगा, तो एक आ जाएगा img ऑफ हाइट, एक मिनट यार, ठीक है, img ऑफ हाइट, img ऑफ विड्थ, और मेरा तीसरा आ जाएगा 3। ठीक है, तो अब ये मेरा जब तैयार है तो फिर मुझे क्या करना है, टेस्ट ऑफ लेंथ देखनी है, क्यों, इसमें मैं स्टोर कर दूंगा जो मेरे लेंथ है टेस्ट की। ठीक है, अभी आपको उसको दिखाता भी हूं, और उसके बाद मुझे एक्चुअल में जो टेस्ट का numpy array है तो उसमें उसको मैं एरे के फॉर्मेट में कर दूंगा, एक मिनट, और ये मेरा हो गया टेस्ट, ये लीजिए। ठीक है, तो अब मैंने एक्चुअली यहाँ पे किया क्या है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये देखिए, थोड़ा टाइम लेगा रन होने में, क्यों टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने अपनी डायरेक्टरी ली और हर एक इमेज को चेक करा, यहां से हर एक इमेज को चेक करने के बाद मैंने उसका फाइल नेम अलग करा और उस एक्चुअल इमेज को अलग करा, उसको ऐसे प्रोसेस कर दिया ना जैसे मेरा मॉडल ट्रेंड है। ठीक है, इस चीज को हमने ऊपर किया था सिनिक, अगर आपने वीडियो देखी है तो कोई बात नहीं, इसको हम इधर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, नेम अलग चाहिए, क्योंकि हमें नेम के साथ लेबल लगा के उस सीएसवी फाइल को सबमिट करना है, राइट। तो मेरे को इमेज पता होनी चाहिए ना, इमेज और नेम अगर मेरी मैप्ड है एक साथ तभी तो मैं इसको कर पाऊंगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हमें अलग से कोई सीएसवी फाइल तो मिली नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये सारी चीजें करी हैं, यहाँ पे हमने लास्ट में अपेंड कर दिया। एक बार ये हो जाए तो मैं दिखा देता हूँ कि मेरे जो टेस्ट है उसकी लेंथ क्या है। तो ये देखिए अब हो गया, तो मैं इसकी आपको लेंथ दिखा देता हूँ, एक सेकंड, टेस्ट की मैंने लेंथ दिखाई, तो देखते हैं क्या है टेस्ट की लेंथ। तो ये देख सकते हैं आप, 9241 इमेजेस हैं जिसको हम टेस्ट करने वाले हैं, और एक्चुअली में जो टेस्ट numpy array है ना वो मैं आपको दिखाता हूं कि ये सारी मेरी इमेजेस हैं, इसको अपेंड करके आप देख सकते हैं कि 3 डायमेंशनल कर दिया हमने, राइट। तो यही सारी चीजें हमने इधर करी है कि आपने एक्चुअली टेस्टिंग डेटा को थोड़ा ऑगमेंट कर दिया है ताकि वो ऐसे फॉर्मेट में हो जो हमारे मतलब काम का हो, राइट।
अब अगर आपको सिनिक याद हो तो मैंने 10 मेरे पास क्लासेस थी, तो मैंने 10 को एक एक करके डिक्शनरी बनाई थी। अब मैं 257 की डिक्शनरी अगर यहां बनाने बैठ गया तो फिर तो शाम हो जाएगी, राइट। तो मैं अब क्या करने वाला हूं कि मैं थोड़ा अपना दिमाग लगाऊंगा और मैं डिक्शनरी तो बनाऊंगा लेकिन अपना थोड़ा लूप कह सकते हैं आप एक तरीके से इस्तेमाल करके। तो मैं क्या करने वाला हूं कि मैंने एक आई लिया, ठीक है। आई क्या है कि वो मेरा क्लास, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 257, और इसको सॉर्टेड वे में लेने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं ट्रेन लेबल्स जो मेरे ऊपर स्टोर्ड करे थे मैंने, जब मैंने अपने ट्रेनिंग डेटा में से उसको निकाला था, उसको लूंगा और उसका आई ले लूंगा, ठीक है। क्यों ले लूंगा उसका आई, क्योंकि भाई वो ट्रेन इमेज ऑफ वन, ट्रेन इमेज ऑफ टू, लाइक ठीक है, लेवल ऑफ वन लेवल ऑफ टू। तो आई क्यों, आई को ट्रेन लेवल ऑफ आई से क्यों करा, क्योंकि जो जीरोथ लेवल है वो अपने जीरोथ यू नो आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो जाए। इसको मैं दिखा दूंगा अभी मैपर को आपको कैसे दिखता है, और फिर मैं यहाँ पे अपना फॉर लूप चला दूंगा, कहां तक, इन रेंज तक। एक सेकंड इसको ऊपर कर देता हूं, इन रेंज तक चलाऊंगा मैं, कहां पे, जो आपकी लेंथ बन रही थी, राइट, जो मेरी लेंथ बन रही थी ट्रेन लेबल्स की, जो कि मेरी होगी 257, राइट। तो ये मेरा हो गया, ठीक है। इसको एक सेकंड बंद कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया, ये इधर तक है, राइट, ये भी इधर तक ही हो रहा है क्या भाई, हाँ जी, ये इधर तक और ये इधर तक, राइट। तो मेरे ख्याल से ये मेरा रेडी है। तो मैपर में कोई इशू आ रहा है क्या, हाँ एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा हो गया मेरे ख्याल से, वही मुझे लग रहा था, कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं। ये देखिए मैपर रेडी हो गया। अब मैं मैपर एक बार प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि मैपर कैसे हुआ पड़ा है, ठीक है। डिक्शनरी है, तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो 250 कितने हैं, नीचे नीचे जाके देखते हैं 256 तक है, ये 257 है एक्चुअली, क्योंकि ये जीरो से शुरू हुआ होगा। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर, एक मिनट, ये देखिए ये जीरो से शुरू हुआ, तो मेरे पास 250 से 256 तक, यानी कि 257 क्लासेस है। एयरप्लेन है, AK-47 है, अमेरिकन फ्लैग है, बैकपैक है, बहुत सारी क्लासेस है अपने कैलटेक में, ठीक है। तो अब मेरे पास मेरी डिक्शनरी भी तैयार है, मेरे पास मेरा टेस्ट डेटा भी ऑगमेंट हो चुका है। तो अब मैं इसको एक्चुअली जोड़ देता हूं, ठीक है। जोड़ कैसे देता हूं, एक्चुअली मैं क्या करूंगा कि मैं अपनी प्रेडिक्शंस करूंगा, राइट। तो पहले मैं अपना जो टेस्ट डेटा है ना उसको थोड़ा सा अपना स्केल कर देता हूं, ठीक है। 255 से डिवाइड कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 to 255 अपना RGB हो सकता है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, जो अपना टेस्ट डेटा है उसको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। तो अगेन मैं argmax यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट चाहिए अपने numpy array से, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, मुझे मॉडल डॉट प्रिडिक्ट करना है, उसमें मैं अपनी टेस्ट इमेज को पास कर दूंगा, एक्सेस वन कर देंगे, कॉलम है ऑब्वियसली, और इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग टू लिस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मेरे पास ना बहुत सारी इमेजेस हैं और उसको मुझे लिस्ट के फॉर्मेट में करना है, क्योंकि इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि ये जो मैंने मैप बनाया है ना, इसको ये जो मैप पर ये जो डिक्शनरी बनाई है इसको मैं इस्तेमाल करूंगा, इसके साथ रन करूंगा, और जो सेम आ रहा होगा ना, जो मॉडल मैंने बनाया है वो उसके साथ स्टोर हो जाएगा, वो वाई प्रेडिक्टेड में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो फिर आइए मैं इसको कर देता हूं, इसीलिए हमने argmax लिया, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट लिया अपने प्रिडिक्टेड मॉडल के कॉलम से, मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट लिया और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं। अब मैं इसको फिर से एक सेकेंड, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपना जो मैपर बनाया था ना, जो मैप बनाया था मैंने अपने, उसमें वैलिडेशन को पास करूंगा, और क्या करने वाला हूं, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, राइट। तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा क्लियर होगा, ये हम पीछे कई बार कर चुके हैं, एक सेकेंड, ये डबल पी हो गया। तो अब मेरे ख्याल से ये सारी चीजें क्लियर होंगी, क्या करा है हमने यहाँ पे, मैपर में से अपना ये लूप चलाया है वैलिडेशन का, कहां तक, वाई टेस्ट प्रिडिक्टेड तक जितना भी है, 0 से 256 तक, और उसके बाद हमने इसको पास करते गए हैं और हर के साथ कुछ एसोसिएट हो गया होगा, वो भी चीज करके दिखा देता हूं मैं आपको। ये लीजिए, पहले मैंने इसको रन कर दिया, इसको, ठीक है गाइस। तो हमने इसको रन करा, तो अभी अपना थोड़ा सा टाइम लेगा, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यूज को, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे ये प्रिडिक्ट है, तो वो हर जो भी वैल्यू है उसको रन कर रहा है, तो सबके साथ ना कुछ वाइट टेस्ट प्रिडिक्ट की वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इतनी सारी वैल्यूज है कि रैम काफी ज्यादा आगे तक पहुंच चुकी है। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा और रन करेगा और उसके बाद ये अपना खत्म होना चाहिए। देखिए रैम भी अब थोड़ी कम हो गई, बिकॉज अब वैल्यूज नीचे जा रही है, मतलब है ना, अपना टेस्ट खत्म होता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बल्कि हो जाता है, बिकॉज आपने देखा कि 257 मेरे पास क्लासेस हैं, तो ये रन, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा रन हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पे क्या करूंगा, एक CSV फाइल बनाऊंगा और फिर अपने कैलटेक में जाके उसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा, राइट। तो मैं बनाता हूँ अपनी सबमिट फाइल, एक मिनट। तो मैंने अपनी सबमिट फाइल बनाई और इसमें मेरे को डेटा फ्रेम बनाना है, ठीक है।
मैंने पीडी डॉट डेटा फ्रेम बनाया और इसमें एक वैल्यू मेरी फाइल नेम क्या उससे आ जाएगी, ठीक है, फाइल नेम। तो इसमें मैं क्या डालूंगा, जैसे कि मैं ऊपर एफ नेम बना रहा था और उसके अलावा मेरा लेबल आ जाएगा, राइट। तो ये आ गया मेरा लेबल और आप यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, राइट, वाई टेस्ट प्रिडिक्ट, ओके। तो मेरा अब ये सबमिट अपना डेटा फ्रेम बन चुका है। तो अब मेरे को इसको क्या करना है सीएसवी में, तो जैसे रीड सीएसवी करते थे वैसे ही टू सीएसवी आ जाएगा। तो इसमें मेरा क्या आ जाएगा, आउटपुट डॉट सीएसवी हो जाएगा। और मैं इंडेक्स मुझे चाहिए नहीं तो मैं इंडेक्स को कर दूंगा फॉल्स। तो ये लीजिए मैंने अपनी फाइल बना दी, यहाँ पे ये शो हो जाएगी। मिनट, क्या, अच्छा पांडाज नहीं है भाई, कोई बात नहीं, पांडाज यहाँ पे इंपोर्ट करके देख लेंगे। तो ये लीजिए एक मिनट, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी हो गया। तो अब देखिए अब ये रन कर जाएगा, क्या दिक्कत आ रही है, पांडाज हैज नो डेटा फ्रेम भाई, क्या, अच्छा फ्रेम सॉरी कैपिटल आएगा, फ्रेम में एफ कैपिटल आएगा। तो ये लीजिए मैंने अब ये कर दिया, तो अब ये अच्छे से हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सी एस बी फाइल आ गई होगी, ठीक है। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मैं इसको पहले तो डाउनलोड कर लेता हूँ भाई और उसके बाद मैं जाऊँगा और अपना सबमिशन करूंगा, ठीक है। डाउनलोड आउटपुट वन सी एस बी के नाम से हुई है, तो मैं यहाँ पे आके इसको एक बार ही सबमिट कर देता हूँ। तो माई सबमिशन पे गया मैं, ठीक है, न्यू सबमिशन मैंने करना है, तो यहाँ पे सी एस बी फाइल को अटैच करना है, ठीक है। तो मैं पहले जाऊँगा डाउनलोड में अपना आउटपुट वन सी एस बी और एक मिनट, आउटपुट वन सी एस बी हो गया, नेक्स्ट, और इसमें सबमिट करके देखता हूँ कुछ स्कोर आएगा मेरा, ठीक है। हो सकता है कि कम स्कोर भी आए बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें मैंने आपको अप्रोच बता दिया है, आप इसमें ऑप्टिमाइज कर करके इसको बेटर कर सकते हैं। देखिए ग्रेडिंग में भी कितना टाइम लग रहा है, राइट, तो ये ना थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए काफी कम स्कोर आया, रैंक भी 17 है और बेस्ट वाले से तो बहुत ही ज्यादा कम है एक तरीके से अगर आप दिमाग लगाएं तो। तो यार देखिए इसमें ना कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कम स्कोर लेके आया या ऐसा कुछ है, तो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि वो इतने ज्यादा इमेजेस है ना कि उसको क्लासिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैंने आपको अप्रोच बताइए कि कैसे करना, आप इसमें ईपॉक चेंज करेंगे, इसमें थोड़ा सीएनएन मॉडल को चेंज करके देखेंगे। जैसे देखिए इसमें मैंने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सीएनएन मॉडल लगाया था, अगर आप सिनिक वाली वीडियो जाके देखेंगे ना तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमने लगाया था, डेंस वाली लेयर्स ली थी, तो हमारा जो एक्यूरेसी थी वो बेटर आई थी, तो वो चीज भी आप करके देख सकते हैं। तो इसमें हमने सिर्फ एक एक्यूरेसी पे बात करी है, इसलिए ये स्कोर की बात है। और आप देख सकते हैं कि 17 ही रैंक आ गई है इतने में, क्यों, क्योंकि भाई ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि मोस्ट लोग लाते भी नहीं है, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही और हम एक और वीडियो में मिलते हैं, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, आप अपना ट्राई करते रहिए। तो थैंक यू।